नमस्कार, मैं देवांजलि बोइत्र। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी में फैल चुका है। बुधवार को ये बात खुद दिल्ली सरकार ने कही। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार और एनसीडीसी को इस बारे में आधिकारिक फैसला करना। दिल्ली में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया। कम्युनिटी में स्प्रेड है और ये मैंने आज भी कहा, मैं 2 महीने पहले से कह रहा हूँ, कम्युनिटी में स्प्रेड है और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। अब इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं या नहीं कहते हैं, जैसे डिक्शनरी वर्ड है एक तरह से, इसके बारे में डिसीजन तो आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में 1 अगस्त से पूरी दिल्ली में फिर से सर्वे होगा। दिल्ली सरकार हर महीने सीरो सर्वे कराएगी। सर्वे के कल रिजल्ट आए हैं जिसको एनसीडीसी ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था, तो लगभग 24% लोग, यानी दिल्ली की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा, उसमें एंटीबॉडीज पाई गई है। इसका मतलब कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। ये सिरो सर्वे किया गया था, इसकी डेट थी 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसके सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सिरो सर्वे है इसको हर महीने हम कराएंगे ताकि हमें पता रहे कि कितने परसेंट लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, और 1 तारीख से 5 तारीख तक दोबारा से इसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से उसका सर्वे किया जाएगा। 76% आबादी अभी भी देखिएगा, मैं फिर से कहना चाहूँगा, सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके अंदर बेसिक 3 चीज़ें जो बार बार कही जाती हैं, पहला कि मास्क लगा के रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और बार बार अपने साबुन से और पानी से हाथ धोते रहिएगा, इसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और देखिएगा, अभी क्योंकि ये सर्वे जो हुआ था 27 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में था और इसमें एंटीबॉडीज लगभग 15 दिन के बाद आती हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि 15 जून का स्टेटस है ये, 15 जून से 20 जून के बीच का स्टेटस, यानी 1 महीना पुराना स्टेटस कह सकते हैं ये था। तो उसके बाद भी उससे तक कुछ लोग इन्फेक्ट होकर ठीक थे।